अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि साथियों आप जानते हो मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमे वगैरह लगा रखे हैं और काफी दिनों से मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, अपनी कैराना की जनता के बीच में नहीं हूँ और चुनाव हमारे सिर पर है और मेरे ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको देखते हुए जो मेरा जो पर्चा था उसको कैंसिल करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरे पे और मेरी अम्मी पे जो मुकदमे वगैरह लगा रखे हैं। जैसे आपको पता है मेरे ऊपर और मेरी माताजी के ऊपर जो मुकदमे भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने लगाए और आज उसी की वजह से हम लोगों को सरेंडर करना पड़ रहा है। ये लोग मेरे नॉमिनेशन में परेशानी खड़ी कर रहे थे, सरकार के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। पिछले एक साल से मैं, मेरा पूरा परिवार परेशान है, आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे, लेकिन आप लोगों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरा आप सभी अपनी जनता से ये अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे और मैं इन केसों के चलते आज सरेंडर कर रहा हूं और जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा। मेरी बहन और मेरी माताजी आप लोगों के बीच उसी तरीके से आपके बीच रहेंगी और इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगी। ये चुनाव मेरे लिए और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि अगले 5 साल का फैसला भी यही चुनाव करेगा और हमारे और आपके साथ जो ये बीत रहा है, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी उसमें ले लीजिए, चाहे आप जो हम झेल रहे हैं, मुकदमेबाजियां झेल रहे हैं और जो सरकार जो और तरीकों से जो परेशान कर रही है गरीबों को, किसान को, मजदूर को, तो अब ये हमारा बदला लेने का टाइम है और आने वाली ये 10 तारीख है, 10 मार्च। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में आने की, नहीं तो साथी बुजुर्गों आप सभी को मुनव्वर हसन बनना पड़ेगा, आप सभी को नाहिद हसन बनना पड़ेगा और ये जो जिस उलझन में हम लोग हैं और जिस परेशानी में हम लोग हैं इस भारतीय जनता पार्टी इस योगी सरकार की वजह से, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ आप हिम्मत मत हारिएगा और आप मेरी ताकत है और आपकी ताकत मैं हूँ और हम लोगों को साथ चलना है और एक दूसरे का साथ निभाना है। तो इसलिए इस चुनाव में अगर मैं आपके बीच में ना भी आ पाऊं तो आप सभी को नाहिद हसन बनकर और जितने भी इस सीट पर लाखों लोग जो इस परिवार को, इस घर को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को खुद में कैंडिडेट मान के आप इस चुनाव को लड़ें और हमारा और आपका जो मान और सम्मान जो इस भारतीय जनता पार्टी ने जो खोने का काम किया है उसको वापिस लाने का काम करें और फिर से आप सभी के बीच में उसी तरीके से जिस तरह मेरे वालिद साहब आपकी लड़ाई लड़ते थे, मैं दोबारा से एक आपके जरिए एक मौका दोबारा से मिल जाए। आप सभी जानते हैं कि आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का है, आने वाली सरकार आप लोगों की है, बस आप सभी को संयम से काम लेना है और यहाँ से समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव को, हमारी और आपकी समाजवादी पार्टी जो गठबंधन जो लोकदल पार्टी से हुआ हुआ है इसको जिताना है और ये चुनाव आप सभी को खुद से लड़ना है। साथियों मैं जल्द ही आप सभी के बीच में पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप सभी को ये हिम्मत बढ़ा के रखनी है, मेरी भी, मेरी माताजी की, मेरी बहन की और